हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 310। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो चुका है, लेकिन आपके किसी भी एक वीडियो में या फिर आपके चैनल की काफ़ी सारी वीडियोस में कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है और आप डर रहे हैं, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि अब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपका ये कन्फ्यूज़न, ये डर दूर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके किसी भी वीडियोस में, किसी एक वीडियो में या 2-3 वीडियो में भी कॉपीराइट क्लेम है तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कॉपीराइट क्लेम जो होता है वो आपके चैनल पे किस वजह से आता है, उसके क्या क्या रीज़न होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप अपनी वीडियो के अंदर किसी और का कंटेंट यूज़ करते हैं, चाहे उसकी ऑडियो यूज़ कर रहे हों या उसकी वीडियो यूज़ कर रहे हों, वीडियो का कोई पार्ट यूज़ कर रहे हों, या फिर आप कोई सॉन्ग यूज़ कर रहे हो अपनी वीडियो के अंदर, बॉलीवुड सॉन्ग यूज़ कर रहे हो, कोई कॉपीराइटेड सॉन्ग है आपको नहीं पता वो आप अपनी वीडियो के अंदर यूज़ कर रहे हो, तो उससे आपके वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, जिससे आपको अब ये कन्फ्यूज़न रहती है कि इस कॉपीराइट क्लेम आ गया है तो मैं अब अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजूं या नहीं, वो मोनेटाइज होगा या नहीं। तो कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि आपका अगर अपना ओरिजिनल कंटेंट होता है और अगर किसी एक वीडियो पे आपका कोई कॉपीराइट क्लेम आ भी गया है, तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो मोनेटाइज हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब यही चेक करता है कि आपने कितना एफर्ट किया हुआ है उसके अंदर, आपका ओरिजिनल कंटेंट है या नहीं, ये सब चीज़ें वो देखता है। क्योंकि YouTube की पॉलिसीज ये कहती हैं कि आपका जो भी कंटेंट है वो ओरिजिनल होना चाहिए, आपका खुद का क्रिएट किया हुआ होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, ना किसी और का आपने कॉपी किया हुआ ऐसा कोई कंटेंट ना होना चाहिए, आपकी खुद की मेहनत होनी चाहिए उसमें, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके चैनल पे कोई भी कॉपीराइट क्लेम है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि वो YouTube की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग नहीं होता। तो कोशिश करें कि आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम ना आए। तो अब मैं आपको कॉपीराइट क्लेम हटाने के कुछ तरीके भी बता देता हूँ। आपने अपनी वीडियो में जहाँ पे भी कोई भी पार्ट किसी भी सॉन्ग का यूज़ किया हुआ है, आप उतने पार्ट को ट्रिम कर सकते हैं या फिर उसकी आवाज़ को आप म्यूट कर सकते हैं और उसकी जगह अपनी वॉइस को डाल सकते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि आप उस सॉन्ग को ही रिप्लेस कर दें, उस ऑडियो को ही रिप्लेस कर दें किसी नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक के साथ, तो आपके चैनल के ऊपर से कॉपीराइट क्लेम हट सकता है। तो इन 3 तरीकों से आप अपने चैनल से कॉपीराइट क्लेम को हटा सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब यही कहता है कि आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। तो आप अपना केवल ओरिजिनल कंटेंट डालें, अपनी मेहनत करें और जितना भी हो सके नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक ही यूज़ करें, कॉपीराइट वाली चीज़ों से दूर रहें, किसी की कॉपी ना करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको पता लग गया होगा कि अगर आपके चैनल पे कोई भी कॉपीराइट क्लेम है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि आपके चैनल जो है वो यूट्यूब की पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं होगा, आपका खुद का कंटेंट ही होना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।